जी मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा तो तेरे ऊपर और तुम्हारे भाई पर। डंडे डंडे वंडे बरसाने हैं मेरे ऊपर, मेरी जूती के लिए किल्पी ले आना। वो बस जा रही है पाकिस्तानी। हाँ जी पक गई है। आलू काटा अच्छा करना बूट भी पहन लिए, सर्दियों में वहम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, जहाँ भी रहे हंसते और मुस्कुरात रहे फूलों की तरह। वेलकम बैक जी, न्यू व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, रहना है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह से। आज जो है ना अल्लाह पाक के फजलो करम से देर से सही, लेकिन आज भी धूप निकल आई थी तकरीबन दो ढाई बजे के बाद बाद। तो आज की मजेदार वीडियो करते हैं शुरू, और सबसे पहले जो है ना दुआ करते हैं, जो बीमार है अल्लाह पाक शिफा दे, जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर फरमाए, और जो लोग रिज़्क रोज़ी की तंगी में है अल्लाह पाक उन्हें वसी रिज़्क अता फरमाए। इसी नेक दुआ के साथ आज की व्लॉग स्टार्ट होती है। और मैं जो है ना सब्ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह ले आया हूँ, आज जो है ना ले आया हूँ क्या, गाजर मटर आलू हैं, गन्ना छिल दूँ। अच्छा इस इतनी सर्दी में किन्नू खा रहे हो, वो भी कच्चे कच्चे किन्नियाँ, ये कहाँ से ले आए हो निक्या निक्या किन्नियाँ? ये जो अभी रक्षे वाला गया है 10 रुपए किलो दे रहा था वही। कितने खट्टे हैं, मुझे यहीं से खट्टे लग रहे हैं। और दुआ बीबी को उठाया हुआ है बेगम साहबा ने, दुआ बीबी हाँ हाँ क्या कर रही हो, खिला तो सही थोड़ा जा, खिला तो सही, खिलो खिलो खिलो, खिलती नहीं हो, खिलती नहीं हो है, खिलती नहीं हो, हंसती नहीं हो, नीचे क्यों गिरा दी है, हैं? अभी हंस रही है, हंस रही थी, हंस रही हो, ऐसे साफ करते हैं, तोड़ने का इरादा है क्या, गंदे काम ना किया करो, बड़ी मुश्किल से बनवा के हैं फिर से तोड़ रहे हैं। वो सब्ज़ी आ गई है, आज भाई साहब ने जवाब दे दिया है, कहा है मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि आज सारा दिन जो है ना धूप नहीं निकली पहले तो, अभी धूप निकली है, अभी कुछ काम कर रहा है, पहले तो सुबह से लेकर 2-2.5 बजे तक फ्री था, कोई काम नहीं किया, ऐसे है ना। हाँ धूप जब निकली तो फिर काम आया। हाँ अभी वो काम कर रहा है, तो मुझे कहा सब्जी सब्जी ले आओ, मैं नहीं लेने वाला आज सब्जी, जवाब दे दिया था तो सब्जी कहाँ से ले आता। चलो जी अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। तो आज जो है ना पापा, हाँ वो देखो वो क्या कर रहा है, उसके जो है ना उल्टे काम है, और अच्छे काम कोई करता है क्या, ये जो हमारा मेरा भाई है ना हाशम, इसको बोलते हैं सब उल्टे काम करने वाला, बस ये इसको कोई सीधे काम नहीं करने है, शरारतें करनी हो, बच्चों को रुलाना हो, आएगा उन्हें बच्चों को इधर से ठुंगे मारेगा, इधर से ठुंगे मारेगा, वो रोने लग जाएंगे, इसका काम सारा दिन यही होता है, लिहाजा आपने इसको जो है ना इग्नोर करना है। अब देखें उनके काम, ये टूट जाएगी इधर से, बकरियों से आज जलती क्यों आ गए हो, किसने बुलाया है आपको? अब्बू ने भेजा है, मैं कल से उसको अब्बू को कहूंगा कि आप हाशिम हाशिम को नहीं कासिम को भेजना, फिर अच्छा है, सही है, हैं क्या ख्याल है, कह दूं हैं, बात सुनो इधर, कह दूं। जवाब ही नहीं दे रहा तो मैं क्या कर सकता हूं भाई। गुस्सा क्यों करेगा, ऐसे थोड़ी गुस्सा करेगा, वो आपको आंखें दिखा रहा था मुझे नहीं। कहती है अम्मी देख रही है मुझे, ऐसा कह रहा है फिर भी कुछ नहीं कह रही। मैं क्या कर सकती हूं? आपने ये कही सही उठाई है, कहाँ जा रही है, भेड़ बकरे कोठी में बाहर डालने। अच्छा ठीक ठीक, उठा लो उठा लो, जो कपड़े सूख गए हैं उठा लो, नहीं तो फिर से गीले होना स्टार्ट हो जाएंगे। चलो सही है, ये देखें जी ये जर्सी पड़ी है, मुझे लग रही है अभी थोड़ी थोड़ी सी ठंड, मैं पहनता हूँ जर्सी, उसके बाद जो है ना ये देखें जुराबे भी पहननी है और बूट भी पहनने हैं, क्योंकि आज मेरे साथ वाला चाचू कल नहीं गया था, आज फिर जो है ना कुछ धूप निकली है तो वो चला गया है चक्की पर, तो मैं भी अभी जाऊंगा चक्की पर इंशाल्लाह जी। तो के
क्या जेप? हाँ जी जेप दूंगा। अवेस कह रहा है जर्सी पाओगे तो जेप भी बंद करोगे या नहीं करोगे? जेप बंद करूंगा, ठीक है। टंटना पहन ली जर्सी भी और बूट भी पहन लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है चलते हैं ऑन ड्यूटी की तरफ। अभी मेरा टाइम हो गया है क्योंकि मैंने अभी नहाया है, तो मैंने कहा ठंड ना लग जाए, इसलिए जो है ना ये हो गए बूट और ये हो गई जर्सी। तो इसकी कैप भी है, मतलब फिर वो नाक अभी भी ऐसा लग रहा है सर्दियों में कि बह रही है, लेकिन होता कुछ नहीं है, ऐसे लगता रहता है ना ऐसा लगता रहता है लेकिन नाक बह नहीं रही होती जी, ऐसा वो लगता आप है। सर्दियों में वहम हो जाता है जी। वहम हो जाता है ना जी, और इधर जो है ना मारिया सिस्टर सब्जी काटने में लगाया है, मैंने कहा जल्दी जल्दी काट लो, फिर बच्चे जो है रोने लग जाते हैं। आज ले आया हूँ आलू मटर गोभी, ना आलू मटर गाजर। हाँ जी, हाँ जी, आलू मटर गाजर। हाँ खाना चाहोगे? हाँ जी हाँ। सब्जी आज मैं पहली बार ले आया हूँ, कैसे अच्छी ले आया हूँ कि नहीं? अच्छी ले आया है, लेकिन पैसे तो मुझे लगता है ज्यादा लगा के आए नहीं होंगे। ये मेरे ख्याल 50 रुपए किलो गाजर थी, 130 रुपए किलो आलू और 50 रुपए पाया मटर। 200 रुपए किलो मटर हाँ, गाजर सस्ती थी 50 रुपए किलो। गाजर तो सस्ती है, मटर तो महंगे है, इसलिए तो कल आलू ले आया। कल है रिश्तेदार भी महंगे हो गए हैं, 130 रुपए किलो हो गए हैं रिश्तेदार। कोई हाल नहीं है। चलो जी ओके हो गया, अल्लाह खैर करे। अभी मैं जो है चलता हूँ अपनी ऑन ड्यूटी की तरफ, आगे जो है ना इंशाल्लाह बेगम साहब आपके साथ आए। हाँ जी, कहीं भाग जाएंगी बहन भाइयों के साथ है ना? बहन भाइयों के साथ ही हूँ, सर्दी में कहाँ जाने। हाँ वैसे सर्दी में कह रही है कहीं जाने का दिल नहीं करता, कहाँ जाएगी। हाँ जी चलो आगे आप व्लॉग बनाओ, मैं चाहूँ फिर टाइम ओवर हो रहा है। हाँ जी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह शाम को, अगर व्लॉग ना बना तो बन गया तो फिर अल्लाह हाफिज। हाँ जी इंशाल्लाह। हमारा सामान जो है ये देखे किचन में बिल्कुल तैयार हो चुका है और घी भी गर्म हो चुका है और अभी हम डालते हैं मसाले। ये देखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने घी को क्या मसाले डाल दिए हैं, अब इनको मिक्स करते हैं। ये देखें और आग जो है ये देखें बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी जल रही है और धुआँ भी जो है इधर सो रही है, धुआँ भी आ रहा है। और आज जो है ना लेट बहुत हो चुकी है, मेरा होता है अभी मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आज मौसम जो है सब्जी लेके आए थे तो वो लेट लेके आए थे। और बीबी भी आ गई है। हाँ जी क्या कह रही हो? हैं खेल रही हो? अच्छा हाँ हाँ। और इधर मसाला भी, और अभी जो है आग जलाते हैं। घी जो है मैंने इधर निकाल के रख दिया है, इसका ढक्कन भी बंद करते हैं। मसाला जो है भुनाई हो चुका है और अभी हम डालते हैं लाल मिर्चे, नमक और हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लाल मिर्चे और ये हो गई हल्दी और ये हो गया नमक, ये नमक बिस्मिल्लाह। और ये कैसे हो गए? ये मिक्स हो रहे हैं, ये देखो हाँ। अभी इनको भुनाई करते हैं, फिर जो है आलू मटर और गाजर डालेंगे। मटर गाजर आलू हाँ, वो सही से होते हैं। हाँ वो सही होते हैं। और अवेश ने जो है लाइट रखी उठाई हुई है, इधर जो है अंधेरा है काफ़ी, ये देखे बहुत ही अंधेरा है, बहुत अंधेरा हो चुका है। ये देखे आज लेट हो गई है ना जी। हाँ जी किसने लेट की है? अल्लाह ने। अल्लाह ने लेट की है? अल्लाह ने कैसे लेट की है? ऐसे आपके बाबा ने लेट की है, सब्जी लेट लेके आए हैं पापा ने। हाँ जी लेट हो, पापा ने काट देता है फिर
सब्जी ले आता है। हाँ, लेट करके फिर ले आता है। ये देखिए जी, अभी जो है हम साला बुनाई करते हैं के हैं। हाँ, मैंने कहा कोई आग शाग जलाएं, कुछ जल्दी हो जाए, अंधेरा हो गया है, बच्चे रो रहे हैं। हाँ जी, इतना लेट कैसे पता निकाल देते हैं। आज वो आसन भाई ने कहा है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, काम लगा नहीं है, तो अपनी सब्जी खुद लेके आए, तो उसने आज लेट कर दी। असर की अजाने के भी बाद गए हैं लेने। पता है, जो भी उसके पास, उसने टाइम से कहा होता तो फिर भी टाइम से ले आते। हाँ जी, और ऊपर से सर्दी है, फिर लेट। चाचू ये कहा था कि पैसे नहीं है, उन पापा सब्जी ले आएगा। हाँ, ले आएगा, वो तो लेट ले आया है ना, अंधेरा हो गया है, सर्दी पड़ रही है, बच्चे रो रहे हैं। हाँ जी, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे सारा दिन। आज आजान मैं कहता हूँ भी शाम वाले सुबह एक दिन की सब्जी है ना, तो सा एडवांस लेके लेकर रखी करो। हाँ, वैसे भी सर्दी है, कौन सा खराब हो जाएगी। आजकल सब्जी है तो ये गाजर और आलू और मटर। हाँ, या गोभी, ये अपना टाइम से ले आए। हाँ जी, या शाम को जरा लेकर रख ले। हमने कहा है कि जुहर की अजान जब होती है दोपहर वाली, तो उस टाइम लेके आ दे दिया करो। क्या ये इसका बटन जो है ये बीच में दब जाता है या ऊपर नहीं आता, फिर अटक जाता है। और हमारा मिसाला भी बुनाई हो चुका है, और अभी हम डालते हैं आलू, गाजर। अब जो है ना डालो। हाँ जी, जो चीज है वही डाल रहे हैं। ये अब्बू साफ कर रहे हैं, बीच में धो के रखी हुई थी तो क्योंकि वो साथ में दुआ बीबी जो उठाई हुई है वो नहीं चुप कर रही। हाँ, दुआ बीबी भी मैंने उठाई हुई है, वो भी नहीं, किसी के पास जाती है तो रोने लग जाती है। और अभी इसको मिक्स करते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी बनाने की, जल्दी बन जाए फिर जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो लेट तो भावे सवेर ठीक तो हो जाएगा। हाँ जी, अब तो जो होना है हो गया। हाँ, अब तो हो गया, इंशाल्लाह कल से फिर टाइम से लेंगे। इस टाइम जो है ना रोटी पक जाए, सालन सालन गरम पक जाए, हर शायद पक जाए, अंदर हो जाकर बैठ जाए, क्योंकि सर्दी बहुत है, बच्चे हैं छोटे छोटे। हाँ जी, इसका ख्याल किया करो। हाँ जी, सही है। और अभी जो है इनको भुनाई करते हैं। माशाल्लाह, हमारी रेसिपी जो है हो गई है मुकम्मल। और हाँ जी, पक गई है भाजी, पक गई है, खुश हो जाओ, जुमरा मारो। और अभी जो है हम डालते हैं हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हरा धनिया भी हमने डाल दिया है। बिल्कुल रही टाइम, अशा की अजाने के टाइम बनी है हमारी रेसिपी, अजाने भी हो रही है। बहुत जल्दी बनी है ना। जी, जल्दी बनी है। दो जने थे बनाने वाले, बहुत जल्दी बन गई है। हाँ जी, चलो जैसे कैसे माशाल्लाह बन तो गई है। गई। अब चलो खाने की देर है। हाँ जी, हाँ चलो, अब भागो खाने पे। चलो, क्या खाओगे? आलू गोभी, आलू गाजरा, आलू गाजरा मटर, मटर। हाँ जी, आप सियाने हो? कितने सियाने हो? इतने सियाने हो? अच्छा, अब बुलाओ, किसी बहन भाई ने खाना हो तो आ जाए। किसी बहन भाई ने खाना हो तो आ जाए। खाना होता है। खाना होता है।
शाहजैब बोलता है कि बहन भाई जो है खाने नहीं आएंगे, इसलिए वो कह रहे हैं, अबू कहते हैं बहन भाइयों को दावत करो बुलाओ, वो कहते हैं कहना ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका है ना। हाँ जी ऐसे, हाँ जी ऐसे शाहजैब ऐसा अंधेरा हो चुका है इसलिए नहीं आएंगे। चलो ऐसे बोलो इंशाल्लाह सुबह आ जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कासिम भी इधर आ चुका है, हाँ जी सर्दी लगी हुई है, हाँ जी। अच्छा चले सही है, ओके हो गया। और हमारा व्लॉग का पता नहीं है, और अभी जो है मोहसिन आएंगे तो फिर देखेंगे, फिर अगर रहता होगा तो फिर वो बनाएंगे, आपसे भी मिलेंगे। तो अभी जो है हम ड्यूटी हमारी ख़त्म हो गई है, हम जो है दुआ बीबी को उठाते हैं, वो रो रही है। चलो चलो, हाँ जी जल्दी जल्दी जाओ उसको उठाओ, हाँ जी बच्चों को रोटी दो और ये सोन, हाँ जी। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको जो है ना मेरा फेस देखने को मिल गया है, क्योंकि मैं आ गया हूँ अभी चक्की से वापस। और टाइम बताऊँ तो इस टाइम जो है ना 7:21 हो चुके हैं जी। मैं आ गया हूँ, हाँ जी। आप रोटी खाए हो? माशाल्लाह। तो अभी अभी आया हूँ तो मुझे पता चला भी लोग अभी कम है, तो मैंने सोचा चलो फिर से एक बार मेरा चेहरा देख लें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, न्यू आने वाले हैं तो। क्या ख्याल है अभी, दुआ भी सो गई है? कब की रो रही थी, अभी सो गई है। आसन भाई जी खाना खा लिया? नहीं। आप तो इधर से हिलने वाले नहीं है मेरे ख्याल। नहीं, नहीं। चलो फिर हम चलें खाना खाएं। अभी चलते हैं जी दूसरे रूम में, क्योंकि दूसरे रूम में बैठकर सब खाना खाते हैं, पहले इधर बैठते थे, अब उधर। आप तो इधर से हिलेंगे नहीं, अगर दुआ बीबी रोए तो फिर बता देना। मैं इधर से नहीं हिलूंगा, मेरे खाने का बंदोबस्त कर दें। खाना मेरा इधर भिजवा दें, उसको इल्फी लगी हुई है। जैसे वो सुबह मरियम कह रही थी मेरी जूती के लिए किल्पी ले आना। इल्फी को किल्पी कहती है? अच्छा नहीं सुना। मुझे सुबह जब सुबह वाली वीडियो में कह रही थी, मैंने कहा, कहता है भैया ये टूट गई है जूती ना, नीचे से उसका तल्ला उखड़ गया है, तो मुझे ना किल्पी ले देना। मैंने कहा वो किल्पी क्या करोगी आप? कहते है जूती को लगाऊंगी ना फिर नहीं टूटेगी। मैंने कहा ये क्या, जूतियों को भी किल्पियां लगाने लग गए? वो तो ये बालों में लगाते है ना, वो तो किल्पियां होती है, वो जो जोड़नी हो चीज तो वो तो इल्फी होती है। हाँ इल्फी, इल्फी को किल्पी बोल रही थी। चलो आ जाओ चलते हैं खाना खाने जी। और बाहर जो है ना मजे की बात एक और बताऊं, ये देखें धुंध शुरू हो गई है। और पता है क्या बेगम साहबा, जब हम आ रहे थे ना, अब्बू जी खटड़ी लेके जा रहे हैं, हम जा रहे हैं और आग सेकने। अच्छा हाँ जी चलो सही है। जब मैं आ रहा था ना, हाँ जी, तो वहां से चक्की से वापस मैं और चाचू दोनों आ रहे थे, तो रास्ते में इतनी ज्यादा धुंध की लहरें बनी हुई थी ना, ये मतलब अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये सामने दीवार है, इस दीवार तक मेरी बाइक की लाइट नहीं जा रही थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। अभी के जब जा रहे थे, जब आ रहे थे, अभी वापसी, हाँ जो वो नहीं दुकाने हैं, हाँ इधर जाओ एंड वाली दुकाने हैं बशीर वाली, उनसे जो आगे, हाँ खाली जगह पड़ी है ना, इधर गंदम भेजी हुई है, वहां पर ऐसे लहरें चल रही थी, धुंध की लहरें। हाँ उधर गंदम वगैरह भेजी हुई है ना, उधर दुकाने वगैरह नहीं। तो चाचू और मैं हास हास के मुंधे हो रहे थे बाइक पर, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तो चाचू कहता कह ध्यान से चलाओ, मैंने कहा देख रहा हूँ ऐसा ऐसा, बिल्कुल स्लो स्लो आ रहे थे। वो एक ही बाइक पर थे? हाँ वो उसकी बाइक नहीं थी आज। फिर वो हमारे पीछे एक और बंदा भी आ रहा था सेम हमारे पीछे, बल्कि वो हमसे आगे आ रहा था, फिर जब आगे धुंध आ गई ना यकदम, फिर वो स्लो हो गया, फिर वो हमारे पीछे आ रहा था, ऐसा ऐसा हम आगे चल रहे थे। ऐसे एक दूसरे के सहारे टीवी चलाई हुई है, वाह क्या लगाया हुआ है, पाकिस्तानी ड्रामा है।
वो बस जा रही है पाकिस्तानी। हाँ जी वो बस है, ऊपर से आदमी भी लड़का हुआ। हाँ वही मैं दिखा रहा था, दूर से जो है ना रोशनी नजर आती है, अगर जूम करूँ तो फिर साफ नजर आता है कुछ। वो देखो बंदा भी लटका हुआ है, ये वाला देखें, ये बंदा और ये ऑटो रिक्शा। हाँ जी चले अम्मी, हमें भी खाना दे छोड़े, तैयार हो गया है। मरियम ने मेरे ख्याल पहले खा लिया है, खा लिया इन्हें बोला है कि हमने गाजरा आलू नहीं खाना है, उन्हें बोला है हमने आज गाजरा आलू नहीं खाना है। कमाल है। तो वो क्या खा रहा है? वो भी शक्कर खा रहा है। गोगलू खा रहा है। गोगलू कहाँ से ले आयो? चाची के घर से। कमाल है, इतनी अच्छी सब्जी तो ले आया हूँ, आलू गाजर मटर, फिर भी नहीं खा रहे। हाँ जी कमाल करते हो। जब जेको भूख होती है ना उसको सबसे अच्छी लगती है, दोपहर को रोटी खाते हैं ना इनको भूख नहीं होती, हम तो सुबह सुबह खाते हैं बस को बहुत भूख लगी हुई होती है। अच्छा मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि मेरी इतनी उम्र गुजर गई है, छोटे मतलब बचपन से लेकर अभी तक जब से मैंने होश संभाली है ना, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी ऐसी बात कही हो कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, मैंने नहीं खानी है। एक ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी खुद तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है, मैंने जब से होश संभाला है आज तक लेकर जो है ना, मुझे कोई ऐसा दिन याद नहीं है जब मैं ये बात कहूँ कि मुझे ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, ये खाने की ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। शुक्र है अल्लाह पाक का, उसने ऐसा जो है ना मुझे बनाया है, मेरा दिल मतलब मेरा जो भी सिस्टम है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मुझे जो भी मिल जाता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो खा लेता हूँ। तो फिलहाल गाजरें और मटर आलू खाते हैं, है ना। चलें जी, ओके हो गया, हमारा आज खाना लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा, है ना। किसके ऊपर? तेरे ऊपर और तुम्हारे भाई पर। अच्छा हाँ जी, इतना लेट हो गई कि मगर दादा भी बैल गया अभी, जैसा हमारी सब्जी काट रही थी। कमाल, अंधेरा हो गया, बहुत सर्दी हो गई और दुआ भी रो रही थी, बहुत गुस्सा चढ़ा। अच्छा चलो अल्लाह खैर करे, अभी तो ठंडा हो गया है। अभी ठंडा हो गया है या डंडे डंडे वंडे बरसाने हैं मेरे ऊपर? नहीं और तो खसो का वार तो जरा गुजर गया और वाला जे काल ले मसला बिना तो वाला डंडे। मुझे आसन भाई ने बताया ही लेट के सब्जी ले आओ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फिर इसलिए मुझे पहले बताता तो मैं पहले ले आता, रोज तो आसन भाई ले आता है ना, इसलिए उसका काम नहीं आया, वो बेचारा क्या करे, सर्दी की वजह से कोई डर के मारे हाथ मुंह नहीं धोता तो शेव कैसे करवाएगा। हाँ जी ये बात है, आगे से उसने शावर में ना ठंडा पानी रखा था। वो अगले दिन एक बूढ़ा चाचू जी आया तो वो पता है क्या कह रहा था भाई को, मैं उधर बैठा था, कहता है यार ये सर्दियों के दिन तो कम से कम पानी तत्ता करके रखा करो। बोलते हैं 8-8 दिन हम घर से बाहर नहीं निकलते, फिर बड़ी मुश्किल से हम जो है ना दिल को समझा के आते हैं कि चलें शेव कराएं, खाद छत कराएं, इधर आप ठंडा पानी लगाते हो फिर से सारा जो है ना दिल दबड़ दबड़ हो जाता है। हाँ जी दुकान होती है ना उसमें गर्म पानी होता है, वो बड़ी होती है ना, वो गीजर लगा होता है ना, वो तो है नहीं, वो बस नलके का भर के रखते हैं, इतना सर्दी में वो चौकी देर जगता है, वो ठंडा हो जाता है। चलो सही है, भाई साहब आ गए हैं? नहीं मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा आ गए रोटी खाने, खटड़ी लेने आए हैं। चलो जी रोटी खाऊं? मैंने आधी खा दी, वो मैं अब्बू अम्मी की बातें सुनने लग गया था। हाँ जी अम्मी के बात ही सही है, गलत नहीं है, गलत। हाँ बिल्कुल गलत नहीं है। चलो अल्लाह पाक खैर करे जी, हमारा व्लॉग मुकम्मल हो गया, बातें बहुत सारी हो गई हैं, फिर जो है ना व्लॉग ऐसे कहेंगे बहन भाई क्या गप्पे लगा के बैठ गए हैं, बोर कर रहे हैं हमें। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो में, फिलहाल 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 के लिए इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।